शहर के रौनक होटल में हलका विधायक कालका द्वारा विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए हलका विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि पंचकुला सेक्टर 5 ग्राउंड में शाम 6 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नव निर्मित सांसद रतनलाल कटारिया के सम्मान को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पन्ना प्रमुख लोकसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी को अम्बाला क्षेत्र से भारी मतों से जीत दिलवाने को लेकर कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया जाएगा। वहीं इस मौके पर गांव वासुदेव के नंबरदार सुरिंदर सिंह व गांव चिक्कन के गुरदेव सिंह ने हलका विधायक की अध्यक्षता में बीजेपी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर बीजेपी नेता श्यामलाल बंसल, संजीव कौशल, सुनील धीमान, तरसेम गुप्ता, जसवीर जस्सी, जिला सचिव महिला मोर्चा निर्मल, पम्मी पोल, मोनिका सूद उपाध्यक्ष महिला मोर्चा व क्षमा शर्मा कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा मौके पर मौजूद रहे। उसकी बात है कि पूरे भारत में तो हम बिजी रह रहे, प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी बहुत जबरदस्त अपना उसे जीते और बम्पर बिल्कुल हजीत वो सीमा बिल्कुल लांग करके और वो रहा हमारा, उसके बाद प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हरियाणा में भी हमारी 10 की 10 सीटें आई, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नहीं हम 10 में से 10 सीटें लेंगे, वो भी बहुत बढ़िया रहा। और उससे ही बहुत अच्छा ये रहा कि जो अम्बाला लोकसभा है हमारी, इसमें रतनलाल कटारिया जी जो हमारे पहले भी सांसद थे और अब सांसद ही नहीं हमारे मंत्री बने, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, इसके लिए हमारे कालका वासियों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है कि हमारे अम्बाला से मंत्री बने। और केंद्र में अपना मंत्रित्व होने का एक अलग ही बात होती है, एक अपनी दिल्ली में जगह बन जाती है और अपना ही आगे बात ही अलग है। और उसके साथ बड़ा कालका वासियों का धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमारे को जीत दिलाई। 1,25,000 हमारी पोलिंग हुई, 1,25,000 उसमें 80,000 बीजेपी को गई और 47,800 वोटों से हमने लीड की, जो आज तक के हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े। और मैं तो ये कहूँगी कि परसेंटेज के हिसाब से पूरी अम्बाला लोकसभा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कालका विधानसभा की है, तो ये हमारे कालका वासियों के लिए बहुत ही सुखद अपना है कि भाई ये बहुत अच्छी विजय हमारी रही और सांसद रहे तभी रतनलाल कटारिया जी हमारे मंत्री बने। और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए और रतनलाल कटारिया जी का राज्य मंत्री बनने पर, कल जिला पंचकुला में हमारे 5 सेक्टर में शालीमार ग्राउंड के पास, वहाँ पर 5 सेक्टर हुड्डा ग्राउंड है जो, वहाँ पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी 6 बजे पहुँचेंगे और हम कालकावासी भी वहाँ अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर जो है कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह है हमारा, जिसमें कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हमारे उसमें मुख्य अतिथि होंगे, अध्यक्षता भाई रतनलाल कटारिया जी करेंगे। और कल हमारा वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल 6 बजे एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे और सभी कालकावासियों से अपील भी है कि इस खुशी के उत्साह को, अवसर को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बढ़ाने के लिए पंचकुला में 6:30 बजे सभी वहाँ पहुँचे वहाँ पर और माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को और सभी को। तो दोबारा पुनः सभी का बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी करती हूँ कि इतने अच्छे वोटों से हम जीत करके आए, इतनी अच्छी परसेंटेज हमने ली और उसी के साथ कल अधिक से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचे, इसी बात को लेकर के आज गुजरात और हिमाचल दिल्ली में तो चल ही रहा था, पहली बार पन्ना प्रमुख हमारे हरियाणा में हुआ, तो पन्ना प्रमुख का भी जितने भी पन्ना प्रमुख वो सम्मेलन वो भी रहेगा, सभी पहुँचेंगे पन्ना प्रमुख का। और उसके बाद जितने समाज के लोग जो प्रबुद्ध समाज के हैं, सभी समाज के लोग आएंगे, उनको भी निमंत्रित किया गया है, सभी सरपंचों को, नंबरदारों को, सभी को, कोई भी ऐसा वर्ग का, कोई भी समाज का, कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि सभी ने मोदी जी को जिताने में अपना बहुत बहुत अथक योगदान दिया, सभी का।